हाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आपका अपना हरजीत फौजी। दोस्तों, आपको डेली वीडियो दे रहा हूँ। जब से टी आर्मी की भर्ती आई है, एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल जो आपको 2 साल पहले से बता रहा था कि भर्ती आएगी टी आर्मी की, जब ये सारे यूट्यूबर बोल रहे थे भर्ती बंद हो गई है। हमने सदा ही चाहा है कि हमारी तरह हमारे युवा है वो भी इंडियन आर्मी में आए, वर्दी पहने। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत कुछ खास होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। जो भी भाई इस चैनल को देख रहे हैं, चाहे पूरे भारत से, जोन फर्स्ट, जोन सेकेंड, जोन थर्ड और जोन फोर, चैनल पर पूरी अपडेट दे दूंगा आपकी भर्ती ग्राउंड से लेकर सारी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। 25 अक्टूबर और 4 नवंबर से जो भर्तियां हो रही है, उसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और कैसे होगा आपका सिलेक्शन, ये आपका फौजी भाई बताएगा, एटीए आर्मी का सोल्जर बताएगा आपको दोस्तों कि आप भर्ती कैसे होगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मैंने टी आर्मी में 17 एक्सीलेंट मारे हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ टी आर्मी में एक्सीलेंट कैसे मारता है। चाहे आप पूरे भारत से वीडियो कहीं देख रहे हैं, अगर वीडियो में अगर आपको इतनी सी सच्चाई लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, जो भी ये यूट्यूबर ज्ञान फैल रहे हैं, ऐसे दौड़ें वैसे दौड़ें, जो ये डिफेंस अकेडमी वगैरह के जो भी कोच वगैरह, मैं इनको बोलता हूँ, यार एक बार आप टी आर्मी की रेस मार दो, उसके बाद में इनको गाइड करना। जब आपने कभी रेस मारी नहीं है यार, कैसे लोगों को आप मिस गाइड कर सकते हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा टी आर्मी में रेस मारने का फॉर्मूला, उसके साथ बताऊंगा कि क्या क्या होता है, क्या मेडिकल में होता है, क्या रिटर्न में होता है और क्या प्रोसेस होता है और कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक आपको सारी डिटेल से मैं समझा दूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ 1600 मीटर दौड़ने की। जहाँ तक बात आती है, आपको लोग बोल रहे हैं 4:30, 4:25 ही अफवाह बना रहे हैं। मेरा टाइम मेरे ग्राउंड में 5:30 से नीचे कभी नहीं आया और मैं हमेशा एक नंबर पे आता था दौड़ में। वो मैटर नहीं करता कि आपका टाइम क्या आ रहा है, मैटर वो करता कि आप ग्राउंड में एक तो बी पॉजिटिव, घबराहट बिल्कुल नहीं रखनी है। अधिकांश लड़के घबरा जाते हैं, उनके पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं, घबराना नहीं है। और जब भीड़ में, वो गेम होता है जब भीड़ में आपको छांट कर जब गो करने के लिए बुलाया जाता है ना, तो आप आगे वाले 5-7 लड़कों में बैठने की कोशिश करें और राइट साइड में बैठने की कोशिश करें। बीच में नहीं बैठना है, पीछे नहीं बैठना है, नहीं आपका मनोबल टूट जाएगा और उस टाइम आपके गिरने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम मिट्टी उड़ती है और लोग क्या एक दूसरे को धक्का लगाते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो आप गिर जाओगे। तो ध्यान रखना है, राइट साइड में बैठना है आगे की दो लाइनों में, और जैसे ही गो करें तो पहले अपना बैलेंस बनाना है, पहले 20-30 मीटर गिरना नहीं है, ये ध्यान रखना है। अगर आप गिरे नहीं तो आधी रेस तो वहीं जीत ली। उसके बाद में थोड़े स्टेप लंबे रखने हैं और आगे के जो 4-5 लड़के हैं उनको जाने दो आगे जो जा रहे हैं। आपको न तेज दौड़ना है न कम दौड़ना है, अपने स्टेप बरकरार रखने हैं। स्टेप बरकरार रखते रखते आपको आगे वाले 5 बंदों में रहना है और जो आगे अच्छा लड़का दौड़ रहा है उसके स्टेप पकड़ लो, उसके स्टेप के पीछे 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 दौड़ते रहो। एक राउंड क्लियर करो, दूसरे राउंड में फिर वही सेम उसी लड़के का पीछा मत छोड़ो जो अच्छा दौड़ रहा है, उसके स्टेप कैच करो। तीसरे राउंड में अपने स्टेप बढ़ा दो और उस बंदे को क्रॉस करने की कोशिश करो जो आपके आगे दौड़ रहा है। थोड़ा और एफर्ट लगाओ, हल्के नीचे झुक जाओ, आपका सांस फूलेगा। मानता हूँ ये हार्ड राउंड होता है, लेकिन फिर भी स्टेप लंबे रखने हैं और तीसरा राउंड भी क्रॉस हो जाएगा। पहला राउंड आपका 1:10 तक होना चाहिए, दूसरा राउंड आपका 2:30 तक होना चाहिए, तीसरा राउंड आपका 4 मिनट में से 20 सेकंड का, मतलब 3:40-45 तक होना चाहिए, और चौथा आपका 5:30 तक भी होगा तो चलेगा। मतलब 5 मिनट 30 सेकंड तक का टाइम मिलेगा, क्योंकि ये रिटर्न है दोस्तों। इसमें रिटर्न अगर एग्जाम करवाना है तो बंदे ज़्यादा पास करने पड़ेंगे, तो ये मत सोचना कि बंदे कम पकड़ेंगे। ये था रनिंग करने का फॉर्मूला। अब चेस्ट, कई लड़कों को उठ रहे हैं मैं चेस्ट में आउट हो जाऊंगा, दोस्तों नॉर्मली खड़े रहना है, पहले फुला के नहीं खड़े रहना है। 78 सेंटीमीटर to 82 सेंटीमीटर यहाँ पे चेस्ट चाहिए फुलाव के साथ। जैसे ही आपको फिता डालेगा वो फौजी, तो आपको हल्का सा चेस्ट फुलाना है, हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। फिर आपको एक जिग जोग पास करना है और 10 पुशअप बीम मारना है। तो याद रखना दोस्तों, बीम पूरे 10 के 10 मारना है, नहीं इसमें 10 बीम मारोगे तो 40 नंबर मिलेंगे, 9 बीम मारोगे तो आपको नंबर 38 ही मिलेंगे, और 7 मारोगे तो 36, 6 वाला तो फेल होता है। तो ये पूरे बीम आपको मारने हैं ताकि आपको पूरे नंबर मिल जाएं। अब मैं बात करूंगा, उसके बाद होगा सर आपका तुरंत डॉक्यूमेंटेशन होगा और आपको एक एडमिट कार्ड दे देंगे। आपके डॉक्यूमेंट में आपको बता देता हूँ कि जो लड़कों को कंफ्यूज चल रहा है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट होता है आपकी जाति का, यानी आप जाट हो, राजपूत हो, या सिख वाल हो, गढ़वाल हो, जो भी आपकी जाति है, मराठा हो, वो एक जाति का सर्टिफिकेट होता है। डोमिसाइल जो आपका मूल निवास है उसका होता है, वो दोनों एक ही है, एक ही चलेगा। और 10th 12th की मार्कशीट ले जाना, 12 फोटो ले जाना, आधार कार्ड ले जाना, अगर पुलिस वेरिफिकेशन है तो वो भी ले जाना भर्ती ग्राउंड में। नहीं कहीं क्या कोयम्बटूर वगैरह में वहाँ आउट कर देते हैं, आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। ये होने के बाद में आपको एक पर्ची देते हैं कि भैया आप कल मेडिकल के लिए आना, तो पूरे बाल काट के आना यार, मारवाड़ी भाषा में बता रहा हूँ आपको, तो वो काट के आना है। अगले दिन आपका फिर मेडिकल होगा, मेडिकल में आप पास हो गए ना, तो फिर आपके बल्ले बल्ले दोस्तों आपको एक एडमिट कार्ड और मिलेगा, आपको रिटर्न देना, और रिटर्न के बाद आपका फाइनली मेरिट में सिलेक्शन हो जाएगा। यार आपको फौजी भाई आपके लिए पूरी दुआ करेगा। दोस्तों, आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपका फौजी भाई, आप जब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और आपको देता हूं मैं एक ऑथेंटिक और रियल जानकारी, ताकि आपका सिलेक्शन हो। फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट करो, कुछ भी पूछ लो, आपके कमेंट में मैं वीडियो बना दूंगा। यार आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करके पूछ लो, उसी टॉपिक में वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत।